हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और चटपटी स्टोरीज। तो दोस्तों देखना ही रहेगा आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को हटा देने के बाद पहली बार राष्ट्र को गुरुवार यानी 8 अगस्त को संबोधित किया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही जनता से सराहना प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि प्रस्ताव को गृह मंत्री द्वारा आगे रखा गया जबकि संसद के दोनों सदनों से ये पारित भी किया गया था। पीएम मोदी ने कल रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के निवासियों को अपना यह संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब से गवर्नर रूल वहां पर लागू किया गया है तब से जमीन पर सुशासन और विकास देखा गया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने वहां पर रहने वाले लोगों और केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बाद क्या क्या बदलाव देखे जा सकते हैं, उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बात भी कही है। लेकिन अब जब ये संबोधन समाप्त हो गया तब तो राष्ट्र को आराम है क्योंकि हर कोई इस बात से परेशान था कि पीएम मोदी इस बार क्या करने वाले हैं जिससे लोगों की जिंदगी में फिर से कोई नया बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि 8 नवंबर 2016 के बाद जिस दिन विमुद्रीकरण की घोषणा करी गई थी तब से ही भारत के लोग हर बार पीएम नरेंद्र मोदी को राष्ट्र को संबोधित करने का फैसला करते हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने डर और राहत दोनों ही चीजों को व्यक्त किया है जबकि कई सारे यूजर्स ने तो मीम्स के जरिए अपनी बात कह डाली। तो आइए देख लीजिए आप भी।